गर्व से कह हम हिंदू है, इस पावन धरा के बिंदु है, जहाँ प्रभु राम ने जन्म लिया उस सिंधु माता के कुंभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम उनकी छवि सारे जग में बहुमूल्य है, राम राज प्रस्थापित करके किया कर्म अतुल्य है। हाँ 14 साल वनवास भोग के पिता शब्द का मान रख के, धर्म पात पर चलते रहे ये राजपाट का मोह छोड़ के, सीता माता विरह तोड़ने लगे समुद्र पे सेतु जोड़ने, राम सेतु निर्माण करके ये प्रेम प्रतीक चले सीता खोजने। महाशक्ति बलशाली रावण अचंभित इन कार्यों से, खाक हुई सोने की लंका पवन पुत्र हनुमान से। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। इस यात्रा को, ध्वज यात्रा को यहाँ किले मोहल्ले से लेकर और बाजार से होते हुए, बाजार से होते हुए रामलीला ग्राउंड में पहुँच कर वहाँ पर भगवान श्री राम जी की पूजा अर्चना के साथ और प्रसाद वितरण के साथ इसका समापन किया जाएगा। और आप देख ही रहे हैं कि सभी लोगों में बहुत उत्साह है इस यात्रा को लेकर। काशीपुर की बुलंद आवाज भी हमारे बीच में मौजूद है, गगन गांगो जी से हम बातचीत करेंगे, कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? अद्भुत है आज का दिन, बहुत ही ऐतिहासिक है, करोड़ों लोगों की, करोड़ों सनातनों की आस्था का केंद्र भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है और उसी का तृतीय वर्ष है। सभी सनातनों में एक बहुत ही ज्यादा खुशी का दिन है आज, उसी उत्सव को लेकर काशीपुर के सनातनी सभी इकट्ठे हुए हैं और ध्वज यात्रा के रूप में राम जी का गुणगान करने के लिए काशीपुर के सभी सनातनी एकत्रित है। महिला शक्ति भी हमारे बीच में मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा कार्यक्रम को लेके उनका क्या कहना है? जी हाँ, बहुत ज्यादा खुशी की बात है और हम सनातनियों के लिए तो सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि आज के दिन 3 साल पहले प्रभु श्री राम मंदिर के लिए 5 अगस्त के दिन ही घोषणा हुई थी कि राम मंदिर बनेगा ही बनेगा और मैं माता शक्ति को लेकर हम सभी लोग जो है साथ में बहुत हर्षोल्लास के साथ ये मना रहे हैं। इंद्रदेव भी हमारे साथ में है, कहते हैं कि जब जब शुभ कार्य होता है तो इंद्रदेव स्वयं जो है जल की वर्षा करता है, जो हम लोगों के आसपास में किसी के भी दूषित या पाप से होता है वो सब नष्ट हो जाता है और हम लोगों के महा साथ पूरा जोर शोर के साथ हम माता शक्ति आ रखे हैं और सभी माता हमारा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। श्री राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है उससे हम बहुत लोग खुश हैं। जय जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? देखो आज जो विषय है वो बहुत बड़ा एक धार्मिक और आस्थाओं से जुड़ा हुआ विषय है, करोड़ों करोड़ों हिंदुओं के मन का भाव है कि आज हमारा भगवान श्री राम का मंदिर वो शुभारंभ के ये जो पताका हमारा 3rd साल हो गया लेके चलने वाली शोभा यात्रा, हमारा धर्म यात्रा महासंघ की बैनर के नीचे चलती है, आज पूरा शहर भक्ति में है, राम में है और आज हर आदमी किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे उसके मुंह से एक ही नारा निकलता है, जय श्री राम। देखिए काशीपुर के जनता में उत्साह का वातावरण है और जिस तरीके से भगवान राम के प्रति सबका स्नेह प्रेम है वो आज साफ दिख रहा है और मैं सभी
जो काशीपुर वासियों को बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि राम के प्रति जो इसने जनता ने दिखाया है वाकई में बधाई के पात्र है, और वाकई में लग रहा है कि ये जो काशीपुर नगरी है वो एक तरीके से राममय हो गई है, और इससे बहुत उत्साह के वातावरण से, और जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है ये हमारे लिए काशीपुर वासियों के लिए, देश के लिए और उत्तराखंड के लिए बहुत ही गर्व की बात है। देखिए आप खुद देख पा रहे होंगे लोगों में कितना उत्साह है इस शोभा यात्रा के प्रति, क्योंकि लोगों को ये उस मंदिर को याद करना चाहते हैं, जो खुशी है उनको राम मंदिर के बनने से मिल रही है वो इसको यहाँ पे प्रदर्शित करना चाह रहे हैं और इस खुशी के शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे अधिक मेरे पास और कुछ शब्द नहीं है शोभा यात्रा को कहने के लिए। आप खुद देख पा रहे होंगे कितना भव्य शोभा यात्रा निकल रही है। जय श्री राम। कार्यक्रम बहुत भव्य कार्यक्रम काशीपुर में 500 वर्षों के बाद एक विजय हुई और विजय में तीन वर्ष हो गए। उस तीन वर्ष के उपलक्ष्य में जो राम मंदिर की नींव रखी गई उसको 3 वर्ष हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लोगों को इतना उत्साह है इसका कि किसी तरह जब ये राम मंदिर पूर्ण हो तो इससे भी ज्यादा बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है। भव्य जय श्री राम। आज एक हिंदू लगा पड़ा श्री राम कहने में, आप देखिए कितना भीड़ है, कितनी धाम धाम यात्रा में है। जय श्री राम, जय श्री राम। आज हमारे राम मंदिर निर्माण की दूसरी वार्षिक उत्सव मनाने के लिए हमें सभी लोगों को बधाइयाँ बहुत बहुत। अगले वर्ष 2024 में हमें भगवान राम का भव्य मंदिर प्राप्त होगा, उसके लिए सभी को बधाइयाँ, धन्यवाद। आज तो ये हमारी राम जन्मभूमि का जो आज 3 वर्ष पूर्व माननीय मोदी जी ने इसका भूमि पूजन शिलान्यास किया था, उसी के उपलक्ष्य में आज हिंदू जागरण मंच हिंदू धाम यात्रा और सभी सनातनी आज उसी के उपलक्ष्य में हम एक शोभा यात्रा के रूप में रामनगर राउंड तक शोभा यात्रा लेके जाएंगे, और जो ये हमारा जनवरी में उसका भूमि पूजन शिलान्यास होने वाला है, उसका गौरव होने वाला है, उसकी शुभकामनाओं के साथ आज ये धर्म यात्रा निकल रही है। देखिए आज हमारी परीक्षा है, एक तरफ इंद्रदेव हमारी परीक्षा ले रहे हैं कि सुबह से रुकने का नाम नहीं ले रहे, और एक तरफ हमारे राम जी के प्रति जो हमारे राम भक्तों में विश्वास है श्रद्धा है वो आगे चल रही है, जो रुकने का नाम नहीं ले रही, और इतना बड़ा जनसमूह हमारी अपेक्षा से कई गुना अधिक ये जनसमूह राम जी राम भक्तों का जनसमूह इकट्ठा हुआ है, मैं उसके लिए धर्म यात्रा महासंघ की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने चरणों में सभी राम भक्तों को अपनी भक्ति प्रदान करें। ये बहुत ही हमारे लोगों का सौभाग्य दिन है तो आज ये पुरुषोत्तम शोभा यात्रा राम के रूप में निकाली जा रही है। मैं इसको बहुत ही अपने दिल से धन्यवाद देती हूँ कि जो इतनी शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। सारे भक्त आप देख रहे हैं कि हमारे इंद्र देवता और हमारे सारे भक्त इतने खुश उत्साह से सारे में झूम घूम रहे हैं और झूमते हुए मस्ती से श्री राम का गुणगान कर रहे हैं। इसी राम का गुणगान करते हुए सब भक्त आगे जाएंगे और उनका पूजन करेंगे, और इसी तरीके से भगवान राम की हम लोग बहुत ही पूजे से बहुत अच्छी तरीके से स्थापना करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अब इस भीड़ को देखते हुए आप समझ तो पा रहे होंगे कि जिस तरीके का आज माहौल है पूरे काशीपुर में, वहीं काशीपुर के एक समाज सेवी कहीं छुपे खड़े हैं। विकास खुट्टू जी क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? जय श्री राम। और कुछ? जय श्री राम। तो जिस तरीके का कार्यक्रम है आज उसको देखकर आप समझ तो पा रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर जो है ध्वज लेकर निकल पड़े हैं श्री राम की टोली में। जिस तरीके का कार्यक्रम है वाकई आज काशीपुर भगवामय हो गया है, कह दे तो कुछ गलत नहीं होगा। कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? भव्य कार्यक्रम आज काशीपुर में राम यात्रा है और भाग ले रहा है कोई भी किसी ना रुकेगा। हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र हमेशा बनकर रहेगा।